create debug and release apk. So basically आज का हमारा टॉपिक है कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हम उसकी डीबग और रिलीज एपीके क्रिएट करना सीखेंगे कि जिस एपीके को हम अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए या गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने पहले से एंड्रॉइड स्टूडियो को एक प्रोजेक्ट ओपन करके रख लिया है इस स्टेप तक, तो देखते हैं इसकी डीबग, पहले देखते हैं इसकी डीबग एपीके के हमें इसकी डीबग एपीके किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रेंट लेआउट जो बाय डिफॉल्ट होता है उसकी जगह यहाँ लीनियर लेआउट लिख दिया और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बटन ऐड कर लेता हूँ कि अपनी एक्टिविटी में मैंने को बटन ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल। तो अब इस बटन को मैं इनकम्पोज करूंगा अपनी डीबग एपीके में उसकी एक अनसाइंड एक विदाउट नॉन साइंड एपीके में कि जिसको मैं फॉर एग्जांपल अपनी डेवलपमेंट पर्पस के लिए या एक टेस्टिंग पर्पस के लिए अपने फोन पे डिप्लॉय कर सकूं। तो यहां हम इसके बिल्ड में जाएंगे और यहां हमारे पास ऑप्शन है बिल्ड एपीके का। सो जैसे ही आप बिल्ड करेंगे इसका ग्रेडल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन अ मिनट और टू हमारे पास हमारी डीबग एपीके आ जाएगी और उसके अगेंस्ट एंड्रॉइड हमें उसका पाथ प्रोवाइड कर देगा कि हम किस पाथ पे जाकर उस फाइल को अपनी देख सकते हैं। सो हमारा ग्रेडल बिल्ड हो गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मुझे मैसेज आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उस ऐप मॉड्यूल को लोकेट भी कर सकता हूँ कि उसकी डीबग एपीके कहाँ पे बनी है और इसी तरह हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप एनालाइज देखने के उसने हमें यहाँ बता दिया कि मैंने किस किस फाइल को किस तरह से उसको डिकम्पोज किया, उसे कंप्रेस किया, उसका डाउनलोडिंग रिड्यूस किया फाइल का साइज और उस फाइल को हमें कहाँ जाकर उसने सेव करवा दिया। इसी तरह हम इसका पाथ देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मेरे पास मेरे सी ड्राइव में जहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट बनाया था कि डाउनलोड में मेरे एक एंड्रॉइड ऐप के नाम से फोल्डर था, तो उस एंड्रॉइड ऐप में मैं गया डाउनलोड्स में जाकर मैं उस एंड्रॉइड ऐप में गया, बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट है जो मैंने अपना डिजाइन किया था। फिर उसके ऐप में के फोल्डर में यहाँ पे मेरे पास एक बिल्ड का फोल्डर है जिसमें आउटपुट, उस आउटपुट के फोल्डर में मेरे पास एक और फोल्डर है एपीके का डिबग का एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी ऐप की डिबग एपीके मेरे पास बनी हुई मौजूद मिल जाएगी। यहाँ से हम डायरेक्ट लोकेट करते तो हमें डायरेक्ट इस फाइल पे ले जाता। इसी तरह हमने इसका पाथ भी देख लिया कि किस पाथ को फॉलो करते हुए हम अपने डिबग एपीके तक जा सकते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे इसकी साइंड एपीके, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जनरेट साइंड एपीके का। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपने पहले से कोई की स्टोर फाइल बनाई हुई है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि अगर हम क्रिएट न्यू करते तो क्या करते, तो हम उस क्रिएट न्यू में जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ की स्टोर का पाथ है, अदरवाइज अगर आपने कोई की स्टोर पाथ नहीं बनाई हुई, जैसे मैंने सी में एक एपीके का फोल्डर बनाया और एक फाइल है, तो मैं बेसिकली इसी फाइल को यूज कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो आप इसी सी ड्राइव में रहकर एक नया फोल्डर, यहाँ से आपके पास ऑप्शन है, आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप नया फोल्डर क्रिएट करें, कुछ फाइल बनाना चाहें तो वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। यहाँ मैंने सी में एक एपीके के नाम से फोल्डर बनाया और इसमें की स्टोर डॉट जेकेएस के नाम से फाइल बनाई है, मैं नॉर्मली इसी को यूज कर लेता हूँ। इसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल हमने कुछ पासवर्ड सेट किया था, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वो पासवर्ड है की स्टोर। आप यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फाइल को नहीं बनाते, मैं यहाँ कोई और पाथ दे देता हूँ, तो मैं इसका की स्टोर यहाँ पे एज अ पासवर्ड और इसी तरह यहाँ पे इसका भी पासवर्ड की स्टोर सेट कर लेता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक नोटपैड की फाइल बना लेते हैं जिसमें सारे डेटा को हम सेव कर लेते हैं कि अदरवाइज अगर हमने कभी दोबारा इस फाइल में चेंजिंग करनी हो तो इसी यूजर नेम पासवर्ड को लेकर हम दोबारा से अपने उसमें एपीके में चेंज कर सकें। सो मैंने यहाँ पे की स्टोर लिख दिया, इसी तरह यहाँ भी मेरे पास की स्टोर आ गया। सो इस सर्टिफिकेट में से आपको नॉर्मली कोई एक चीज अपलोड करनी पड़ेगी जिससे उसको ये आइडिया होगा कि सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कंट्री कोड ऐड कर देता हूँ और ओके कर दिया। सो अब यहाँ जब मेरे ओके करने से क्या होगा, जो हमारे पास पहले विंडो आई थी कि हम जो की स्टोर पाथ चूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं कि हमारा की स्टोर पासवर्ड, हमने फॉर एग्जांपल की स्टोर पासवर्ड रखा है और इसी तरह हमने यहाँ भी इसका की स्टोर पासवर्ड रखा है और यहाँ मेरे पास पहले से उसका एलियस नेम आ रहा है। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप न्यू अगर आपके पास पहले से बना हुआ है आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उसके चूज एग्जिस्टिंग में जाकर उसे चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करके यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, V1 जार सिग्नेचर और V2 फुल एपीके सिग्नेचर, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्ड ऐप रिलीज बना रहा है और डेस्टिनेशन फोल्डर भी इसने मुझे बता दिया कि मेरे उसी डाउनलोड्स में जाके एंड्रॉइड ऐप के फोल्डर में एक ऐप का फोल्डर बनेगा जिसमें मेरा एक रिलीज का फोल्डर बनेगा और रिलीज के नाम से मेरे पास एक एपीके फाइल बन जाएगी। तो हम इसे फिनिश करते हैं। सो हमारा आप ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो गए, सो इट विल टेक अ मिनट टू, और जैसे ही कंप्लीट होगा इसी तरह हमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि हमारी जो रिलीज एपीके है वो किस फोल्डर में जाकर बनी हुई। उसी तरह से हम उन्हें एनालाइज भी कर सकते हैं और फाइल को लोकेट भी कर सकते हैं। सो ये अगर हम यहाँ से लोकेट करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें उस फाइल पर ले जाएगा उस पाथ पे, जिसे हमें अलग से इसका पाथ दोबारा सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हमारा ग्रेडल बिल्ड होता है हम देखते हैं कि इसकी एपीके फाइल हमारे पास कहाँ जाकर प्लेस होती है।
हमारा ग्रेडल बिल्ट हो गया, और आप देख रहे हैं कि उसने मुझे जनरेट साइंड एपीके दे दी। तो मैं इस लोकेट को क्रिएट करते हुए अगर मैं इस लोकेट को प्रेस करूंगा तो एंड्रॉइड स्टूडियो मुझे डायरेक्टली उस पाथ पे ले जाएगा जहां पे मेरी ये फाइल बनी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसने मेरे सामने विंडो खोल दिया, और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐप के फोल्डर में जैसे हमने बात किया था कि मेरे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि डाउनलोड में जाकर एंड्रॉइड ऐप है और उसके अंदर एक ऐप का फोल्डर है और उसमें यहाँ एक रिलीज का फोल्डर बन गया। तो इस रिलीज के फोल्डर में मेरे पास ये ऐप रिलीज एपीके फाइल बनी है। तो अब ये फाइल बेसिकली मेरी एक साइंड एपीके फाइल है, एक सर्टिफिकेटेड एपीके फाइल है, और इस ऐप को या इस एपीके फाइल को मैं गूगल प्ले स्टोर पे भी अपलोड करने की सलाहियत रखता हूँ और गूगल इसे एक्सेप्ट करने की भी कैपेबिलिटीज रखता है क्योंकि ये एक साइंड एपीके है, किसी साइंड सर्टिफिकेट के साथ रजिस्टर होकर आपके पास आई है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिर से कुछ चेंजिंग करते हैं और फाइल बनाते हैं तो आप बिल्ड में जाके अगेन साइंड एपीके करेंगे, और इस टाइम हम न्यू बनाने के बजाय जो पहले से फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो अभी बाय डिफॉल्ट पाथ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फॉर एग्जाम्पल हम चूज एग्जिस्टिंग कर लेंगे कि मैं चूज एग्जिस्टिंग इसी फाइल को यूज कर लेता हूँ। तो मैं इसी फाइल को यूज करके उसका की स्टोर पासवर्ड और की पासवर्ड जो नॉर्मली हम अपनी एक नोटपैड की फाइल में पहले से सेव करके रख लेते हैं ताकि दोबारा चेंज करते हुए हमसे वो पासवर्ड मिसप्लेस ना हो जाए, और उसी तरह नेक्स्ट करके हम इसकी जार फाइल अगेन बना देते हैं। सो आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर है कि किस तरह से हम एक नया प्रोजेक्ट बना के उसके डिबग और रिलीज एपीके इशू करवाते हैं।